अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ कायद और पार्टी यकजा है, नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने पर हिकमत अमली बनाएंगे। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का मॉडल टाउन में इजलास से खिताब, इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज दानिल राठौर से। दानिल बताइएगा, शहबाज शरीफ का मजीद अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का मजीद क्या कहना था? आज बिल्कुल मॉडल टाउन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को भी आरे हाथों लिया और इनका मजीद ये कहना था कि हमारे कायद नवाज शरीफ हैं, उनके खिलाफ जो भी फैसला आएगा उसके हवाले से हिकमत अमली बादजा तय की जाएगी और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ हैं, उनको सेहत के लिए बरतानिया जाना जरूरी है, उनके ब्लड रिपोर्ट के अंदर कैंसर के मौजी मर्ज के हवाले से तशखीस भी हो चुकी है मगर उनके इलाज के लिए हुकूमत जाने नहीं दे रही, ये हुकूमत का नारवा सलूक हम हमेशा याद रखेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने ओपोजिशन के ओपोजिशन ने हम हुकूमत के साथ इस हवाले से भी उन्होंने इकदाम उठाते हुए कहा है कि हम हुकूमत को चलने देना चाहते हैं, ये नहीं हम सुनना चाहते कि हुकूमत को काम करने का मौका नहीं दिया गया, ये काम करें मगर काम करके दिखाएं, ये लोग डिलीवर करेंगे, हम बिल्कुल इस बात पर नहीं कदम रखना चाहते, इस बात का तय नहीं करना चाहते कि मिड टर्म इलेक्शन हो, ये हुकूमत अपना वक्त मुकर्रर जो है जो वादे इन्होंने किए हैं वो पूरे भी करें। और साथ साथ अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ का ये मजीद कहना था कि हम जो है हुकूमत के साथ चलने को तैयार हैं मगर हुकूमत हमें जान बूझ कर जो है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की जानिब से जो है आज इजलास के बाद क्या कहा गया, आप भी सुनिए। ये फैसले मैंने आपको कहा है कि अपना जो है ना वो हमारे लिए नए नहीं हैं, अल्लाह से हम दुआ करते हैं। आप देखें ना कि नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी अब तक, और जज साहब ने अपने फैसले में लिखा है और आपको मालूम है कि अपना जो है करप्शन का कोई शायबा दूर दूर तक नहीं है और फैसले आएगा, हम जायजा लेंगे और फिर अपनी हिकमत अमली बना। गले पे डोर फिरती है ना तो सारी बसंत का मज़ा किरकिरा हो जाता है। सो गवर्नमेंट जो है ना उसके पास इतने वसाइल ही नहीं है कि वो पुरानी डोर को पहले कैप्चर करे और नई डोर का इजरा करे, तो मेरा ख्याल है कि जब तक एक प्रॉपर होमवर्क ना हो जाए तो इस बसंत को जो है ना वो खूनी बसंत नहीं बनाना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है उनके ब्लड टेस्ट में वेरिएशन है और वो कैंसर सर्वाइवर हैं और उनको अशद ज़रूरत है कि वो बरतानी में जहाँ पर उनका इलाज हुआ था वहाँ पे जाके उनका चेकअप हो और डॉक्टर जो हैं इस बात की तसल्ली तशफ़ी करें, और ये बात जो है वो टेस्ट में आया है और इंशाल्लाह ताला हम अपने तमाम कानूनी जो अब तकाजे हैं वो पूरे करेंगे और अपना जो है ना कोशिश करेंगे कि इलाज के लिए जो है।